यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे लगने वाली अस्थायी दुकानों के मालिकों और इनमें काम करने वालों को अपना सत्यापन कराना होगा। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे लगने वाले अस्थायी ढाबों और होटलों के मालिक गैर हिंदू होते हैं और तो और खाना परोसने वाले भी गैर हिंदू ही होते हैं, जिसके चलते कई बार कांवड़ मेले के दौरान विवाद की स्थिति पनप जाती है। अब ऐसे में बीते दिनों यूपी में कांवड़ मेले के दौरान इस अस्थायी दुकानों के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखना जरूरी होगा। अब ऐसे में उत्तराखंड भी इन अस्थायी दुकानों, होटलों और ढाबों के मालिकों और काम करने वालों का सत्यापन करना, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, जब जब हम लोग की मीटिंग होती हैं उसमें जो तय होता है उसी आधार पे दोनों स्टेट्स में हम लोग कार्रवाइयाँ करवाते हैं। जैसे जितने ढाबे वाले हैं, जितने खाना परोसने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे ढाबे बना रखे हैं, अगर उन लोगों ने अपना नाम प्रदर्शित नहीं कर रखा, टेलीफोन नंबर प्रदर्शित नहीं कर रखा है, और ऐसे लोगों का एक तो हम सत्यापन हम लोग कराते हैं, दूसरी चीज़ पर ये सारी व्यवस्थाएँ जो लोगों को दिखे, जो भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं उनको पता चले कि किसके वहाँ पे खाना खा रहे हैं, और जिन लोगों को ये परमिशन वगैरह दे रहे हैं हम SDM लेवल पे, उसमें ये सुनिश्चित भी कराएंगे कि उसमें फूड की क्वालिटी भी हमारी अच्छी हो, तो खाद्य विभाग इसमें लगातार चेकिंग करेगा। देखिए, लगातार कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं, साथ में जो उनके QR कोड्स हैं उसको भी उसमें इंगित करने की जरूरत है। इसी में आगे एक बयान कांग्रेस नेता इमरान मसूद का सामने आया है। इमरान कहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम कर रही है। इसी में आगे वह कह रहे हैं, जैसे रोजगार के लिए नौजवान परेशान है उस पर बात नहीं करते, व्यापारी की कमर टूट चुकी है उस पर बात नहीं करते। इमरान बोलते कि कांवड़ को सजाने का काम मुसलमान नहीं करते क्या, ये सरकार सिर्फ नफरत फैला रही है, कांवड़ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब बहुत ही प्यार से रहते हैं। भाई, उत्तर प्रदेश में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है, धर्म के नाम पर सियासत शुरू हो। इसी में अभी हाल ही में अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया, देखिए वो इस बारे में क्या कहते हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया, जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार भी ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। जब इस बारे में हमारे संवाददाता ने डिप्टी CM से सवाल किए तो वे बिना जवाब दिए वहां से चले गए। इसका मतलब साफ है कि डिप्टी CM ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। डिप्टी CM की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के फैसले पर उन्हीं के साथियों ने ही नाराजगी जताई है। JDU, RLD और LGP तीनों ने विरोध जताया है। RLD यानी जयंत चौधरी की पार्टी का कहना है कि राजनीति में धर्म नहीं चाहिए, जनता की मर्जी है, कहीं से भी खरीदे। वही JDU का कहना है कि ये फैसला प्रधानमंत्री योजना सबका साथ सबका विकास के खिलाफ है। वही LJP के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुजफ्फरनगर के दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने वाले फैसले का वह विरोध करते हैं। इसी के आगे पासवान ने कहा कि जहां भी जाति के नाम पर बंटवारा होगा वो विरोध ही करेंगे। इसी में आगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि विरोध के सुर अब सहयोगी दल पार्टी के नेताओं की तरफ से बटने लगे हैं। कांवड़ मार्ग पर पहले बताओ नाम और फिर चलाओ अपनी दुकान पर क्या कहना है विरोधी पार्टियों को, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदू का और दूसरे नॉनवेज, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए, ताकि जो कांवड़ यहाँ बैठा जाए बैठे, हमें ना किसी के नॉनवेज बेचने पर आपत्ति, कांवड़ तो बिकेगा ही नहीं, कांवड़ का बिचने कांवड़ तो नहीं बिकेगा, पर सामान्य तो भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचिए, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचिए, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तुल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है,
कि जिसको जहाँ मर्जी खाए, जिसको जहाँ मर्जी बैठे, एक कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने, जिसने ऐसी कार्रवाई की, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना। वहीं कावड़ पथ पर दुकानदारों को फरमान को लेकर सियासी तौर पर घमासान छिड़ गया है। हमारे पुलिसकर्मियों ने इस मुद्दे को लेकर, सुरक्षा को लेकर कितनी तैयारी की है, आइए देखते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन कावड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ कुलदीप जी, जो ट्रैफिक पुलिस से उच्च अधिकारी मौजूद हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे उनसे कि वो किस तरह से यहाँ क्या क्या व्यवस्था की है। जी सर, देखिए जो अभी आगामी कांवड़ माह जो प्रारंभ हो रहा है 22 तारीख से, जी उसमें ट्रैफिक से संबंधित जो है वो हमारे जोन लेवल से एक वृहद जोनल ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जो है वो जारी किया गया है। जी सर, जिसमें मेरे ख्याल से 8 या 9 जनपद शामिल हैं, 4-5 जनपद जो हैं वो बरेली जोन के भी शामिल हैं। उसकी मेन जो मुख्य बातें हैं कि आगामी 22 तारीख से मुजफ्फरनगर जनपद में जी भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो रोका जाएगा। जी जब मैं भारी वाहनों का बात कर रहा हूँ तो इसमें जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको छोड़कर, जैसे गैस, डीजल, पेट्रोल, LPG, CNG या अन्य खाद्य पदार्थ, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, तो 22 तारीख से भारी वाहनों का संचालन जो है वो प्रतिबंधित किया जाएगा। नहर पटरी पर भारी वाहन संचालित नहीं होंगे। 26 तारीख से NH-58, जिसे वर्तमान में 334 ए कहा जाता है, उस पर बाई पटरी, हरिद्वार से मेरठ जाने वाली बाई पटरी कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी जाएगी, एवं दाहिनी पटरी पर जो है दोनों तरफ का ट्रैफिक, जो हल्का ट्रैफिक है, हल्के चार पहिए वाहन, वो संचालित होंगे। इसके अतिरिक्त जब हमारी डाक कांवड़ शुरू होगी, उससे संबंधित भी हम लोगों ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। इससे पब्लिक को और जो हमारे ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो भी वाहन चालक हैं, उनकी मदद के लिए हम लोग आवश्यक जगहों पर साइनेजेस लगा रहे हैं, जिससे जो हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है वो सभी हमारे वाहन चालकों, वाहन स्वामियों की जानकारी में आ सके, और आपके माध्यम से प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके माध्यम से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। धन्यवाद। तो ये थे जनपद मुजफ्फरनगर के SP ट्रैफिक कुलदीप जी, जो हमें जानकारी दे रहे थे कावड़ को लेकर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुजफ्फरनगर।